नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खास खबर की। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। गांव की सरकार के लिए पहले चरण के तहत 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद 19 को दूसरे, 26 को तीसरे और 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मई को पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा। चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क होगा कि उसने हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर पहले आरक्षण सूची जारी की और उसके बाद चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब जनहित याचिका महत्वहीन हो गई है। तो वहीं उधर संभावित दावेदार प्रचार के लिए मैदान में उतर भी गए हैं। इससे गांव की राजनीति तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सरकार और निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी हो चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को ही सभी आपत्तियों को निस्तारित कर दिया था, लिहाजा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम माना जा रहा था। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो नई आरक्षण सूची तैयार कराई गई है, शुक्रवार को सभी जिलों में उसका अंतिम प्रकाशन होना है। पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां। 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 19 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 2 मई को मतगणना शुरू होगी। 3 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया, 3 अप्रैल से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा। वहीं चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जद्दोजहद जो इतने दिनों से जारी थी उस पर भी अंकुश लग चुका है। हलचल तेज है और लगातार हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।